Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are having a good time. सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि यू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल माई न्यू वीडियो अपडेट्स. सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस ऐप कॉल्ड सेल एट कॉस्ट, जो कि बहुत ही जानी मानी पॉपुलर ऐप हो गई है आजकल के टाइम पे. यहाँ पे लोग इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं इस ऐप के चीज़ों पे क्योंकि रेट्स भी इतने मतलब यू नो अफोर्डेबल हैं, सस्ते हैं कंपैरेटिवली टू अदर ऐप्स. लेकिन क्या ये ऐप वाकई वर्थ है जितना हम लोग पागल हो गए इस ऐप के पीछे? बिकॉज मैंने सुना है बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे थे कि शिपिंग चार्जेस और टैक्सेस इतने महंगे हैं जो एक्चुअल प्राइस से भी, प्रोडक्ट प्राइस से भी वो महंगे होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग 1,500 की शॉपिंग कर रहे हैं तो यू नीड टू पे 1,700 इंक्लूडिंग द शिपिंग चार्जेस एंड द टैक्स. लाइक आर यू किडिंग? अगर इतना ही महंगा रखना होता तो डायरेक्ट आप प्राइस ही महंगा रख देते. लाइक आप उधर से खाओ या इधर से खाओ, इट्स गोइंग द सेम वे. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई पॉइंट. एंड मैनी अदर यूट्यूबर्स ऑल्सो लाइक यू नो दे आर कंपेयरिंग बिटवीन क्लब फैक्ट्री एंड दिस ऐप. क्लब फैक्ट्री इज़ लाइक बिकम वेरी एक्सपेंसिव ऐप आजकल फिर से, बिकॉज वो जब लॉन्च हुई थी बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स थे उनके. ये सब इनकी टेक्निक होती है, बाकी कुछ नहीं, अफोर्डेबल रेट्स रख के. एंड देन फिर जब पब्लिक यू नो अट्रैक्ट होती है, जब उनका ऐप अच्छा चलता है, दे इंक्रीज द रेट. सो मैं आप लोगों को यहाँ दिखाना चाहूँगी इनकी प्राइस रेंज कितने से स्टार्ट होती है. लाइक फॉर 2 रुपीज़ आपको किसी ऐप में भी नहीं दिखाई देगा कि इतना सस्ता 2 रुपये में सामान मिल रहा है आपको. इस तरह की कॉमी आप देख रहे हैं, इस तरह की कॉम आराम से आप लोगों को लाइक 30 to 40 रुपीज़ में मार्केट में मिल जाएगी, बट हियर यू आर गेटिंग फॉर 2 रुपीज़. लाइक बट व्हाट्स द यूज़ ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल बाई डूइंग ऑल दिस शिट? आप दिखा कुछ रहे हो एंड आप शिपिंग में इतना ज़्यादा महंगा रख रहे हो, कि मतलब ज़रूरत क्या है इन सब चीज़ों की? बट द रेट्स आर रियली गुड. आई विश ये इसी रेट के होते, लेस शिपिंग चार्जेस में. बट या लेट्स सी इनके शिपिंग चार्जेस कम होते हैं या नहीं. यहाँ मैंने मुझे मतलब जब ये सारी चीज़ें पता चली उससे पहले कि ये मैंने कार्ट में डाल रखे थे सारी चीज़ें, बट नाउ मोस्टली आई माइट शॉप अगर इनके शिपिंग चार्जेस कम होंगे. यहाँ पे इट्स शोइंग इफ यू चेक आउट, यहाँ पे इट्स शोइंग आर सेल विल बी ओपन इन February 26th. तो तब तक के लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस. अगर इनके रेट्स कम होंगे तो डेफिनेटली वी विल शॉप, अगर नहीं तो बाय बाय सेलेक्ट को. सो या आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. तो पसंद आई है तो आप लोगों सब जानते हो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.